गाइड किया गया है, और हालांकि मैं पैकअप के बाद कहीं जाना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी बिकॉज स्वास्थ्य से मेरा काफ़ी एक गहरा नाता है, और ऐसे कुछ ही कम गहरे नाते हैं मेरे बंदे में जिसमें स्वास्थ्य के सोना होता है, तो यहाँ मुझे आना ही था। एंड विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट, प्रोमोस काफ़ी पसंद आए मुझे, और अब तो हालांकि मुझे टाइम देखते कम मिलता है क्योंकि नया शो कर रहा हूँ स्टाफ प्लस के लिए, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा जरूर मैं देखूँगा। अच्छा नहीं सर, आपने ट्रेलर देखा होगा तो क्या पसंद आया ट्रेलर में? इट्स ऑल अबाउट द VFX आई थिंक, क्योंकि एक ये जो जॉनर है VFX का एक डिफिकल्ट जॉनर है, उसको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो मैंने प्रोमो देखा मुझे लगा कि बहुत ही जस्टिफाइड प्रोमो है विद शनी, और एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा इतिहास है जो मैं खुद पर्सनली जानना चाहूँगा। इसमें मेरी खुद की पर्सनल क्यूरियोसिटी है क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं, तो इस शो के थ्रू मुझे पता लगेगा कि शनी का स्टार्ट द जर्नी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जो लोग मुझे देना चाहेंगे देख के, अच्छी बात है यार, शोज हैं, नाग नागिन भी आ रहे हैं, भूत प्रेत भी आ रहे हैं, कॉमेडी शोज भी आते हैं, भाभी जी भी आती हैं, सब आता है, तो अब शनि भगवान आ रहे हैं तो उनको भी मतलब बाहें फैला के हम स्वागत कर रहे हैं। सर स्टार प्लस का आप कौन सा सीरियल शूट कर रहे हैं, स्टार प्लस के लिए आप कुछ कर रहे हैं बताएंगे आप? शो का नाम है जाना दिल से दूर, जो कि बियॉन्ड ड्रीम्स का शो है, यश पटनायक ममता पटनायक, उसमें मेरा एक आर्मी बैकग्राउंड का मैं बनता हूँ, कैटर का नाम है रवीश। लेकिन आप सवाल पूछने से पहले शो देखो पहले आप, आपको टाइम नहीं मिलता होगा, आप बहुत बिजी हो। सर कल US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या है? US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मुझे कुछ आइडिया नहीं है भाई, सच बताऊँ मैं, जिस बारे में मुझे आइडिया नहीं होता उस बारे में बात कर का मैं को क्या बात करूं, मैं सुबह निकलता हूं 8:30 बजे, घर में घुस रहा हूं 10 बजे, मुझे पता ही नहीं है। तो बॉलीवुड में कभी आप डेब्यू करेंगे अगर आपको चांस मिला तो? आप साइन कर रहे हो मुझे ये बताओ ना, फिर करेंगे, लेकिन अगर देखो आपको क्या है, आदमी को प्रार्थना और प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है, अभी मैं टीवी कर रहा हूँ, जो मुझे शो मिला है उसमें ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बाकी देखेंगे।